हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ट्रिक दोस्तों कि अगर आप अपने फेसबुक पेज को या अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, ब्लू टिक लगवाना चाहते हैं, मार्क लगवाना चाहते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट को वेरीफाई कैसे करवाएं, पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसको कैसे ब्लू टिक लगवा सकते हैं, कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं, कैसे वेरीफिकेशन पेज को इनेबल करवा सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। प्रिंट जो है आपको सबसे पहले फेसबुक ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको बता देगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है या फेसबुक पेज है वो एलिजिबल है या नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है वहाँ पर। थ्री लाइन में क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, हेल्प एंड सपोर्ट हेल्प सेंटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सर्च करना है वेरी, सर्च करेंगे वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है वेरीफाई पेज ऑन फेसबुक और ऊपर ही ऊपर आ जाता है गाइस। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है मीन्स फेसबुक हैज कन्फर्म दैट द पेज और प्रोफाइल इज द ऑथेंटिक प्रेफरेंस ऑफ द पब्लिक फिगर एंड ब्रांड इट रिप्रेजेंट। वेरीफाई और प्रोफाइल और पेज फिल आउट फॉर्म बता दूंगा अभी। यहाँ पर आता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर ए वेरीफाई पेज, ऑटोमेटिक यूनिक कंप्लीट नोटेबल इंक्वायरी। आप पढ़ सकते हैं पूरी इसके बारे में कि आपका जो पेज है वो प्रोफाइल है वो एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि मैं अगर पढ़ के बताऊंगा पूरी प्रोसेस तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस। फिल आउट दिस फॉर्म पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आता है वेरीफाई योर पेज और प्रोफाइल। आपका पेज है प्रोफाइल है किसको वेरीफाई करवाना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, फर्स्ट स्टेप आता है कन्फर्म ऑथेनेटी। ऑथेनेटी डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है नेशनल, अपनी जो पासवर्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, पेन कार्ड को बोलते हैं, टैक्स बिलिंग पेन कार्ड, रिसेंटली यूटिलिटी बिल, अगर आपके पास बिल का है तो बिल को कर सकते हैं आप, कोई भी कर सकते हैं, पासपोर्ट पे आधार कार्ड को कर सकते हैं या फिर वोटर आईडी कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मेरा आधार कार्ड को, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म नोटेबिलिटी कैटेगरी में आपको यहाँ पर सपोर्ट करना है कि सपोर्ट गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, म्यूजिक, फैशन, एंटरटेनमेंट, डिजिटल क्रिएटर, गेमर, बिजनेस, ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन, अदर। अब जो भी हैं सेलिब्रिटीज हैं जो भी आप सर्च यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ डिजिटल क्रिएटर ब्लॉगर, कर दिया। कंट्री रीजन में इंडिया डाल लेंगे। ऑडियंस ऑप्शनल में आपके जो ऑडियंस है किस तरह के गाय, तो आप डिजिटल क्रिएटर हैं, रील्स वील्स बनाते हैं उसके बारे में रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है। आल्सो आल्सो ऑप्शनल में अगर आपका कोई नाम है गाय और भी अदरवाइज जिससे आपको लोग जानते हैं तो वो लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम है। यहाँ पर आएगा लिंक, एड अप टू 5 आर्टिकल सोशल मीडिया लिंक। तो अगर आपके पास यहाँ पर 5 लिंक के 5 कर सकते हैं, 2 है 2, 3 है 3, 1 है 1। मैं यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक को पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट कर दिया, आप और भी लिंक को ऐड करना चाहें कर सकते हैं। सेंड पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया सेंड पर, सेंड पर क्लिक करने के बाद अब आपको 24 से 48 आवर का वेट करना है गाइस। जैसे आप 24 से 48 आवर का वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके ज़रिए आपको बताएगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है एलिजिबल है या नहीं है। अगर आपको एलिजिबल होगा तो आपको फेसबुक अकाउंट में जो है वेरीफाई कर दिया जाएगा, और नहीं होगा तो आपको यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। यहाँ पर 24 से 48 आवर का वेट करेंगे, नोटिफिकेशन पर आपको कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है अपने फेसबुक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।